कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की एक निचली अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पर जयपुर के शास्त्री नगर थाने से 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब की है। महानगर मजिस्ट्रेट क्रमांक 11 जयपुर महानगर द्वितीय ने विजय कलंदर के परिवाद पर यह कार्रवाई की है। अदालत में दायर परिवाद पर मजिस्ट्रेट क्रम 14 ने परिवादी के द्वारा शास्त्री नगर थाने में दिए गए परिवाद को लेकर रिपोर्ट मांगी है। थाने से रिपोर्ट में आने के बाद इस मामले में अग्रिम सुनवाई होगी। परिवाद में कहा गया है कि भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जन्म से ओबीसी नहीं होने की बात कही। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गुजरात की भाजपा सरकार की ओर से किए गए प्रावधान से मोदी ओबीसी के दायरे में आए। परिवाद में कहा गया कि राहुल गांधी का ऐसा बयान देश में अशांति पैदा करने वाला है। उनकी टिप्पणी से परिवादी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है।